सही अकीदे को महफूज रखने की
तकदीर पहुंचाए। वो अकीदा जो मोहम्मद आले मोहम्मद ने अदा किया, जो अमीर मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसायत और नियाबत में जिस अकीदा की तबलीग अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई, जिस दीन की बका के लिए करबला जैसा कुर्बानी का अजीम शान मुजाहिरा हुआ, हर इमाम की जिंदगी उसी मंशूर को बचाने के लिए सर्फ हुई। अगर आज हम उनके नाम पर जमा तो हो, परचम तो उनका लहराए, सफ़े मजलिस तो उनके नाम से बिछाई जाए, मिंबर उनके नाम से लगाया जाए, मगर वहां ख्यालात आने वाले जमाने के लोगों के, मौजूदा जमाने के लोगों के, गुज़श्ता जमाने के लोगों के, यानी लोगों के जज्बात और ख्यालात अगर वहां से नष्ट होने शुरू हो जाएं, तो फिर वो मिंबर हक के मजलिस अदा करने से महरूम हो जाता। क्योंकि हमने तारीख में आले मोहम्मद का रास्ता इख्तियार कर लिया, सहाबा इकराम का हम भी एहतराम करते हैं, वो मोहतरम है, मगर हमने उन्हें अपना दीन में मोहतरम किरदार को समझा, मगर दीन में अपना हादी नहीं बनाया। क्योंकि हमने उन्हें हादी बनाया जिसको वो सहाबा इकराम खुद भी हादी समझते, यानी जब उन्हें मुश्किलात पेश आती थी दीन की, तो दीन के मामले उसी दरवाजे पे पूछने जाते थे। तो जिस दरवाजे पे सहाबा इकराम ने जाकर दीन की मालूमात हासिल की, दीन की हिदायत हासिल की, हम भी चाहते हैं कि सहाबा का असल रास्ता ये है कि उस दरवाजे की मारिफत में कोई कमी मत आने देना। तो सहाबा इकराम काबिल एहतराम, लेकिन हमने उन्हें हाजी क्यों नहीं माना कि वो कलेमा पढ़ने के मोहताज हैं। कलेमा ना हो तो वो भी हिदायत से खाली, कलेमा पढ़ ले तो वो हिदायत याफ्ता हो जाए। इसलिए हमने ये नजरिया कुरान से लिया, ये नजरिया पैगंबर इस्लाम से लिया कि देखो इस्लाम की किसी चीज को, किसी अकीदे को लोगों की राय से मुंतखिब मत करना। जो कुछ कुरान बताए, जो कुछ पैगंबर की जुबान बताए, जिसको पैगंबर हाथ दिखाकर खुद मुकर्रर करके जाए, बस उसी को अपना हाजी कराते हैं। जमहूरियत की वोटों की कसरत से दीन का हादी नहीं बनता। ये जो अभी इलेक्शन में लोग बने हैं, ये दीन के रहनुमा नहीं है। ये आपके दुनियावी उमूर को संभालने के लिए, आपके काउंसिल में मसले हल करवाने के लिए, सड़कें